हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये SS वर्सेस CSG के टीम के बीच में जो ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग का सेकंड मैच जो आज ये खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मैच आज शाम 7 बजे से SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो सेम वही वेन्यू रहने वाला है जहाँ पे कल वाला TNPL का मैच खेला गया था, यानी कि जो फर्स्ट TNPL का मैच हुआ था वो भी इसी वेन्यू पे हुआ था। तो ये सेकंड वाला मैच भी इसी वेन्यू पे खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे दोनों टीम्स के, उसके अलावा प्लेयर स्टार्स, फैंटासी टीम, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो मेरी फाइनल टीम होगी वो भी आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। इस पिच की बात करें दोस्तों, इस पिच पे टोटल T20 डोमेस्टिक के अभी तक 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 5 बार यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम जीतती है। तो आप ये चीज यहाँ पे देख के चल सकते हैं। उसके अलावा एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 157 का रहा है, यानी कि दोस्तों अगर ओवरऑल इस विकेट के बारे में बात करें तो ये एक बैलेंस विकेट है। तो आप लोग एक बैलेंस विकेट मान के ही टीम बनाना तो आपकी एक अच्छी टीम बन पाएगी। अब जो इस सीरीज का फर्स्ट मैच हुआ, अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे LK की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 179 बनाए और इस मैच को ITT की टीम चेस नहीं कर पाई, सिर्फ 109 बना पाई। तो ये लास्ट मैच हुआ था, उससे पहले जो 2022 में यहाँ पे मैच खेले गए हैं, आप लोग यहाँ पे उसका भी यहाँ पे स्कोर कार्ड देख के चल सकते हैं किस तरह का यहाँ पे स्कोर बना है। अब दोस्तों, यहाँ पे विकेट की बात करें यानी कि पेस वर्सेस स्पिन की यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो लास्ट इस वेन्यू पे 8 मैच खेले गए हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो पेसर्स ने यहाँ पे 54 विकेट निकाले हैं, स्पिनर को 62 विकेट मिले हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पे पेसर्स के मुकाबले स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पे मैच होते जाएंगे वैसे वैसे ये पिच भी स्लो होती जाएगी और स्पिनर भी इस गेम में और ज़्यादा आते जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। और जो लास्ट मैच हुआ था इसमें भी इस मैच में भी स्पिनर और पेसर दोनों ने अच्छा किया था, तो दोनों को लगभग बराबर बराबर विकेट मिले थे इस मैच में भी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें SS की प्लेइंग 11 के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कौशिक गांधी, अमित सत्वी को ओपन करते हुए देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एस अरविंद आएंगे, आर कविन है, मोहित हरिहरन है, उसके बाद यहाँ पे मान बाफना है, युवराज वी है, शनि संधू है, अभिषेक तनवर है, आकाश सुमना है, एम गणेश मूर्ति है। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे SS की प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, इनके तरफ से जो इंपॉर्टेंट बॉलर है जो पूरे 4-4 ओवर कराएंगे उनके बारे में यहाँ पे बात करें तो इनके जो इंपॉर्टेंट बॉलर है वो यहाँ पे अभिषेक तनवर, आकाश सुमरा, एम गणेश मूर्ति, तो ये लगभग 4-4 ओवर आपको करते हुए दिखेंगे। बाकी के जो 8 ओवर बच रहे हैं वो आपको यहाँ पे मान बाफना, युवराज और यहाँ पे सनी संधू, तो ये लोग मिलके कराते हुए देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इनके प्लेयर स्टार्ट्स देखें तो आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर का यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे सबके हेड टू हेड वेन्यू और ओवरऑल स्टार्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो आपको ये ग्रीन टिक दिख रहा है तो ये मैंने उन प्लेयर के आगे लगाया जो अच्छे खासे स्टार्ट्स रखते हैं, ताकि आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी और आसानी हो। तो यहाँ पे दोस्तों, अमित सत्वीक के बारे में बात करें तो ये आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, इनका आप रिसेंट देखेंगे तो 23-15-0-18-33 ये इनका रिसेंट है। हेड टू हेड में अभी तक 4 मैच खेले, 83 रन बनाए 20 के एवरेज से, वेन्यू पे 2 मैच में 18 रन है। ओवरऑल देखेंगे तो इनका 21 का एवरेज है, 17 मैच में 345 रन हैं। आर कविन की दोस्तों बात करें तो एवरेज प्लेयर है, 36-2-14-3-0 ये इनका रिसेंट है। हेड टू हेड में 1 मैच खेला जिसमें 5 रन है, वेन्यू पे 2 मैच में 17 है और ओवरऑल देखेंगे तो 28 मैच में 207 रन, 10 का एवरेज, तो ये इनका ओवरऑल रिकॉर्ड है। अब दोस्तों, यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से बात करें तो कौशिक गांधी अपने टीम के सबसे मेन प्लेयर और इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनका अगर आप देखेंगे तो रिसेंट यहाँ पे 1-40-2-46-44 तो 5 में से 3 मैच में काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। हेड टू हेड में ये पहली बार खेलेंगे, वेन्यू पे 3 मैच खेले,
54 रन है 18 का एवरेज। सॉरी दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड शायद गलत हो गया, ये हेड टू हेड में खेल चुके हैं तो इनका मैंने हेड टू हेड नहीं लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों पर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपको लेके ही चलना है। उसके अलावा एस अरविंद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। इनका आप रिसेंट देखेंगे तो 10-19-27 प्लस 0 विकेट, 25 प्लस 2 विकेट, 0 विकेट। तो ये बॉलिंग पार्ट टाइम ही कराते हैं, आप लोग बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद मत करना। आप इनका हेड टू हेड में देखेंगे तो यहाँ पे दो मैच में 17 रन है, 8.5 का एवरेज रहा है, तो कुछ खास रहा नहीं है हेड टू हेड में। उसके अलावा वेन्यू पे देखेंगे तो 3 मैच में 52 रन है, 17 का एवरेज है, प्लस 2 विकेट भी है, तो वेन्यू पे ठीक ठाक किया है। ओवरऑल आप इनका स्टार्ट देखेंगे तो 14 मैच 202 रन, 17 का एवरेज, प्लस 3 विकेट। तो ये इनका ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे दोस्तों अभिषेक की बात करें तो इनका आप यहाँ से देखेंगे तो रिसेंट उतना कुछ खास है नहीं। हेड टू हेड में एक मैच खेला जिसमें 23 नॉट आउट बनाए हैं, वेन्यू पे दो मैच में 23 रन है, 11 का एवरेज है, ओवरऑल 26 मैच में 303 रन, 13 का एवरेज। तो ये इनका ओवरऑल रिकॉर्ड है। एम अदानन खान है, इनका भी रिसेंट उतना खास नहीं, वेन्यू पे चार मैच में सिर्फ 16 रन है, वेन्यू पे पहली बार खेलेंगे और ओवरऑल भी 13 का एवरेज है, तो इनका भी कुछ खास है नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो मान बाफना, इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है, रिसेंट देखेंगे तो रिसेंट भी लगभग आपको अच्छा दिखेगा। उसके अलावा हेड टू हेड में दो मैच खेले, 15 रन है, 7 का एवरेज है, प्लस 0 विकेट है। वेन्यू पे तीन मैच में 86 रन, यहाँ पे 86 का एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे ये तीन में से सिर्फ एक ही मैच में आउट हुए हैं, दो मैच में नॉट आउट रहे हैं, इस वजह से आपको इनका यहाँ पे एवरेज ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बॉलिंग कराई इसमें इनको विकेट नहीं मिला इस वेन्यू पे। उसके अलावा ओवरऑल देखेंगे तो 33 मैच में 661 रन है, 23 का एवरेज है, 13 विकेट है, तो ये इनका ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड है। उसके अलावा आर प्रशांत, इनकी बात करें रिसेंट अगर आप यहाँ से देखेंगे 29-0 विकेट, 10 प्लस 1 विकेट, 1 विकेट, 21 प्लस 1 विकेट, तो रिसेंट आप यहाँ से देख के चल सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू पे ये पहली बार खेलेंगे और ओवरऑल इनका स्टार्ट्स है नहीं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा अभी T20 खेला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्या मतलब खेला ही नहीं है, तो इसलिए इनका स्टार्ट्स भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सनी संधू, इनकी बात करें रिसेंट अगर आप इनका यहाँ से देखेंगे तो ठीक ठाक है, 8+0 विकेट, 24+1 विकेट, 17+0 विकेट, 5+1 विकेट, लगभग एवरेज है। हेड टू हेड में एक मैच खेला है जिसमें 14 नॉट आउट बनाए, प्लस 1 विकेट निकाला है। वेन्यू पे एक मैच में 5 रन है, प्लस 1 विकेट है। ओवरऑल देखेंगे 8 मैच 72 रन, 14 का एवरेज, प्लस 8 विकेट। जगन्नाथ श्रीनिवास की बात करें तो हेड टू हेड वेन्यू पे ये भी पहली बार ही यहाँ पे खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे हेड टू हेड वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है। उसके अलावा ओवरऑल देखेंगे 18 मैच में 87 रन, 12 का एवरेज, प्लस 8 विकेट। आप इनका रिसेंट यहाँ पे देख सकते हैं अगर खेलते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो एम गणेश मूर्ति लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, रिसेंट देखेंगे तो रिसेंट इनका उतना अच्छा नहीं रहा है, यहाँ पे 0 विकेट 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। तो ये रिसेंट है, हेड टू हेड में दो मैच खेले, 1 विकेट है, वेन्यू पे दो मैच में 1 विकेट है, तो लगभग वेन्यू हेड टू हेड दोनों यहाँ पे सेम है। उसके अलावा ओवरऑल T20 में देखेंगे तो 43 मैच में 33 विकेट ये ले चुके हैं। अभिषेक तनवर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी रहेंगे अपने टीम के प्लेयर, क्योंकि इनका अगर आप देखेंगे तो 9+1 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, तो रिसेंट उतना अच्छा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर ओवरऑल अगर आप इनका देखेंगे तो 49 मैच में 448 इन्होंने रन्स भी बनाए 17 के एवरेज से, प्लस 49 मैच में 57 विकेट भी निकाले हैं। तो ये आपको ड्रीम पर बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे, पर ये ऑलराउंडर है, अच्छी खासी ये बैटिंग भी कर लेते हैं। हेड टू हेड में देखेंगे 3 मैच में 58 रन है, 19 का एवरेज है, प्लस 3 मैच में 5 विकेट है। वेन्यू पे 5 मैच खेले, 53 रन है, 17 का एवरेज है, प्लस 5 मैच में 8 विकेट इस वेन्यू पर भी है। तो हेड टू हेड वेन्यू भी अच्छा है और ओवरऑल स्टार्स भी अच्छा, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आकाश सुमारा इनकी बात करें, इनका रिसेंट देखेंगे तो 5 मैच में 3 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच में यहाँ पे 1 विकेट है, ओवरऑल T20 33 मैच 19 विकेट, तो ये भी एवरेज है। रवि कार्तिकेयन की बात करें, लेग ब्रेक बॉलिंग कराते हैं, रिसेंट देखेंगे 13-0 विकेट 2-12 1 विकेट, 36+1 विकेट 1 विकेट, तो ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं। हेड टू हेड में देखेंगे 2 मैच में 18 रन है, 9 का एवरेज है, प्लस 1 विकेट है। वेन्यू पे 1 मैच खेला, 36 रन बनाए, 36 का एवरेज, 1 विकेट, तो ये इनका है। ओवरऑल देखेंगे 6 मैच 57 रन, 19 का एवरेज, प्लस 4 विकेट, तो ये इनका रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे एन सेल्वा कुमारा, इनकी बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये भी बॉलर है, रिसेंट काफ़ी ख़राब, 5 मैच में सिर्फ 2 विकेट मिले हैं, वो भी सिर्फ 1 मैच में। हेड टू हेड में देखेंगे 2 मैच में 2 विकेट हैं, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट है, ओवरऑल T20 15 मैच 12 विकेट, तो ये इनका रिकॉर्ड रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें CSG की टीम की, तो पहले CSG की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको नारायण जगदीशन, संतोष शिव ओपन करते हुए दिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बाबा अपराजीत आएंगे, यू शशिदेव हैं, संजय यादव हैं, आर सतीश
आर सतीश, यहाँ पे आर सतीश हैं, हरीश कुमार हैं, लोकेश राज है, एम शिलम्बरसन है, उसके अलावा राहिल शाह हैं, आर रोहित हैं। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे सी एस जी की प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे इनके बैटिंग बॉलिंग स्टाइल भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनके जो इम्पोर्टेंट बॉलर हैं जो आपको लगभग पूरे चार चार ओवर करते हुए दिखेंगे उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आर रोहित पूरे चार ओवर डालेंगे, राहिल शाह आपको लगभग चार ओवर करते हुए देखेंगे, उसके अलावा एम सिलम्बरसन। तो ये तीन इनके इम्पोर्टेंट बॉलर हैं। बाकी जो आठ ओवर बच रहे हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकेश राज, हरीश कुमार, आर सतीश और संजय यादव, ये चार मिलके करा सकते हैं। बाबा अपराजीत भी बॉलिंग कराते हैं पर पार्ट टाइम डालते हैं तो ये भी एक आधो ओवर करा सकते हैं। तो काफ़ी आपको इनके पास बॉलिंग ऑप्शन दिख रहे हैं पर मेरे हिसाब से ये तीन आपको यहाँ पे लगभग पूरे ओवर करते हुए दिखने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सी एस जी के प्लेयर के स्टार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों नारायण जगदीशन, इनकी बात करें रिसेंट अभी आईपीएल खेल के आ रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 19-27-1-0-36 ये इनका रिसेंट रहा है। हेड टू हेड में दो मैच खेले हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड में इन्होंने दो मैच खेले हैं, 91 रन बनाए, 45 का इनका एवरेज रहा है। वेन्यू पे तीन मैच में 108 रन है, 36 का एवरेज, तो हेड टू हेड वेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल देखेंगे तो 63 मैच में 1399 रन, 29 का एवरेज। तो अपने टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रहने वाले हैं। राजगोपाल सतीश की यहाँ पे बात करें दो मैच में दो रन हैं, दो का एवरेज है, प्लस एक विकेट है हेड टू हेड में। उसके अलावा रिसेंट आप यहाँ से देख सकते हैं वेन्यू की बात करें तीन मैच में 19 रन है, 19 का एवरेज, उतना अच्छा इनका हेड टू हेड वेन्यू रहा नहीं है। ओवरऑल देखेंगे 67 मैच में 722 रन है, 19 का एवरेज है, प्लस 24 विकेट है, तो ओवरऑल ये एवरेज प्लेयर है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें यू शशिदेव की तो यहाँ पे यू शशिदेव की बात करें तो इनका रिसेंट आप यहाँ से देख के चल सकते हैं लगभग एवरेज है। हेड टू हेड में दो मैच के लिए 43 रन है, 21 का एवरेज है, वेन्यू पे तीन मैच में 16 रन है, 8 का एवरेज है। यहाँ पे ओवरऑल टी20 में 54 मैच में 917 रन, 21 का एवरेज। संजय यादव इनकी बात करें तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनका देखेंगे 21+0 विकेट, 1+0 विकेट, 8+2 विकेट, डू नॉट बैट और यहाँ पे 21 रन। हेड टू हेड में दो मैच 41 रन, 41 का एवरेज, प्लस दो विकेट। वेन्यू पे तीन मैच में 165 रन, 82 का एवरेज, प्लस दो विकेट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओवरऑल देखेंगे तो 43 मैच में 1134 रन, 36 का एवरेज, प्लस 21 विकेट भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे संतोष शिव है, इनकी बात करें तो 31-8-9-28-59 ये इनका रिसेंट है। हेड टू हेड में दो मैच खेले, 14 रन बनाए, वेन्यू पे दो मैच में 37 रन है, ओवरऑल 17 का इनका एवरेज है। उसके अलावा ऑलराउंडर में बात करें बाबा अपराजीत, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनका देखेंगे हेड टू हेड में दो मैच खेले हैं, 70 रन से 35 का एवरेज है, वेन्यू पे तीन मैच में 199 रन, 99 का एवरेज, प्लस 5 विकेट। ओवरऑल देखेंगे तो 40 का इनका एवरेज है, प्लस 44 मैच में 24 विकेट भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और सी बी सी के भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। हरीश कुमार की यहाँ पे बात करें तो इनका अगर आप देखेंगे दो मैच खेले 27 रन है, दो विकेट भी है हेड टू हेड में, वेन्यू पे तीन मैच 10 रन, 6 का एवरेज, प्लस 1 विकेट। ओवरऑल टी20 21 मैच 183 रन, 22 का एवरेज, प्लस 14 विकेट, तो ये इनका ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है। लोकेश राज इनकी बात करें एवरेज प्लेयर है, इनका आप रिसेंट यहाँ पे देख के चल सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल टी20 की बात करें 10 मैच में 36 रन से 7 का एवरेज है, प्लस 12 विकेट है, तो इनका बैटिंग से यहाँ पे ठीक, सॉरी बैटिंग से कुछ खास नहीं है पर इनका बॉलिंग से यहाँ पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है। अगर आप ड्रीम पे देखेंगे आपको ये ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात करें बॉलर्स की तो यहाँ पे दोस्तों रामलीगन रोहित इनकी बात करें रिसेंट यहाँ पे देखेंगे 34-0 विकेट, 0+1 विकेट, 1+0 विकेट, 1 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, तो ये इनका रिसेंट है, रिसेंट लगभग ठीक ठाक है। हेड टू हेड में एक मैच खेला जिसमें 0 विकेट है, वेन्यू पे पहली बार खेलेंगे। ओवरऑल टी20 27 मैच 172 रन, 21 का एवरेज, प्लस 26 विकेट, तो ओवरऑल इनका ठीक ठाक है। राहिल शाह अपने टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, रिसेंट भी लगभग अच्छा खासा है। हेड टू हेड में दो मैच में 4 विकेट हैं, वेन्यू पे दो मैच में 1 विकेट है, ओवरऑल टी20 में 46 मैच में 45 विकेट है। एम सिलम्बरसन यहाँ पे इनका रिसेंट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, तो रिसेंट काफ़ी अच्छा। हेड टू हेड में दो मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे एक मैच में 1 विकेट, ओवरऑल 22 मैच में 23 विकेट, तो ये इनका रिकॉर्ड रहा है। बी रॉकी इनकी बात करें राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इनका देखेंगे 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। उसके अलावा हेड टू हेड में एक मैच अभी तक इन्होंने खेला, 2 विकेट निकाले, वेन्यू पर भी एक मैच है, 2 विकेट है। ओवरऑल टी20 में 4 मैच खेले, 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं, तो ये इनका
रिकॉर्ड रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम ने हेड टू हेड में अभी तक 9 मैच खेले हैं, 5 एसएस की टीम ने जीते हैं, 4 यहाँ पे सीएसजी की टीम ने जीते हैं, तो ये इनका ओवरऑल हेड टू हेड का रिकॉर्ड रहा है। अब दोस्तों हम टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने बनाई है, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद आपको जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी, और इस वीडियो के बाद अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर ही देता हूं, तो इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते अपनी टीम क्रिएट करने। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपनी टीम देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टीम देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एन जगदीशन है, ए सत्वीक है, पी रंजन पॉल है, आर कविन है, एम कुमार हैं। तो यहाँ पे ये तीन तो दोस्तों उतने अच्छे ऑप्शन रहेंगे नहीं, अगर खेलते भी हैं तब भी मैं इनको स्मॉल लीग की टीम में ट्राई नहीं करूँगा। ये दोनों ठीक ठाक ऑप्शन है, आपको दोनों ओपनिंग पर देखेंगे, प्लस दोनों अपनी टीम से विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों फिलहाल के लिए दोनों को लिया है। ये सत्विक की बात करें आपको ओपनिंग पर देखेंगे, और T20 में इनका लगभग ठीक ठाक एवरेज है, 21 का एवरेज है, और एक ठीक ठाक बल्लेबाज है, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को लिया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये सत्विक की जगह किसी और प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे दोनों को लिया। अब यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में चले तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे एस यादव को लिया है, के गांधी को लिया, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। एस यादव यहाँ पे पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छा खासा स्टार्ट्स रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे एस यादव को लिया है। उसके अलावा दोस्तों यू शशिदेव एक ठीक ठाक प्लेयर है, इनको आप लोग ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लोगों ने यहाँ पे लिया है इनको, आप लोग भी लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, स्टार्ट्स ठीक ठाक है। एस अरविंद की दोस्तों बात करें जीएल की अच्छी पिक रहेंगे, क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, हालांकि एवरेज प्लेयर है। उसके अलावा एस शिव की बात करें तो ये भी उतने अच्छे स्मॉल लीग के लिए रहेंगे नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आर सतीश, ये इनका अच्छा खासा स्टार्ट है, ये भी यहाँ पे अच्छी खासी बॉलिंग भी कराते हैं और यहाँ पे ये बैटिंग भी अच्छी खासी आपको करते हुए दिख सकते हैं, पर दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रहता है, यहाँ पे लगभग आपको 4 डाउन पे देखेंगे, तो जीएल की अच्छी चॉइस रहेंगे क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं और बैटिंग अगर इनकी आ गई तो आपको बैटिंग से भी यहाँ पे ये पॉइंट देंगे, तो जीएल में आप लोग इनको ट्राई कर लेना। उसके अलावा एस अभिषेक की बात करें उतने अच्छे रहेंगे नहीं। एम अदनान खान ये भी उतने अच्छे नहीं है, इनका भी स्टार्ट उतना अच्छा रहा नहीं है। एम हरिहाम का भी उतना अच्छा नहीं है, तो ये लोग उतने अच्छे रहेंगे नहीं स्मॉल लीग में। तो स्मॉल लीग के लिए जो अच्छे ऑप्शन है वो यहाँ पे के गांधी तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो हम लेके ही चलेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यू शशिदेव, एस अरविंद, आर सतीश, इन तीनों में से भी आप लोग जिसको चाहे स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल के इन दोनों को ही लिया है। अब यहाँ पे हम ऑलराउंडर सेक्शन में चले तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे अपराजीत को लिया है, एम बाफना को लिया है, हरीश कुमार को लिया है, एस संधू को लिया है, चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैंने यहाँ पे इन चारों ऑलराउंडर्स को लिया है। उसके अलावा लोकेश राज की दोस्तों यहाँ पे बात करें ठीक ठाक रिकॉर्ड ये भी रखते हैं बॉलिंग से, पर बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं किया, तो अगर आप इनको ले रहे हैं तो सिर्फ बॉलिंग के तौर पे ही लेना। उसके अलावा यहाँ पे बात करें आर जगन्नाथ श्रीनिवास की, तो ये उतना अच्छा रिकॉर्ड रखते भी नहीं और जीएल में आप लोग एक आर टीम में ट्राई कर सकते हैं, बाकी नीचे इनमें से कोई खास ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने इन चारों को लिया है। अब यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अभिषेक तनवर इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर आप लोग चाहें तो इनको सीवीसी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं और लगभग अपने कोटे के आपको पूरे 4 ओवर तो करते हुए दिखेंगे ही, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों एम सिलंबरसन इनकी बात करें, ये भी लगभग आपको अपने कोटे के 4 ओवर देंगे और एक अच्छे खासे बॉलर हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको लिया है। उसके अलावा रायल सा, तो ये तीनों बॉलर्स को मैंने लिया, तीनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें एम गणेश मूर्ति, दोस्तों इनका भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, अगर यहाँ पे एसएस की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे तो उस केस में आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सामने सीएसजी की अगर आप टीम में देखेंगे तो काफ़ी आपको राइटी बल्लेबाज देखने को मिल रहे हैं और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो ये एक ठीक ठाक चॉइस हो सकते हैं। ए सुमारा की बात करें एक ठीक ठाक रिकॉर्ड ये भी रखते हैं, तो ये भी ट्राइबल ऑप्शन रहेंगे, बाकी नीचे इनमें सभी कोई खेलता हुआ दिख नहीं रहा। यहाँ पे दोस्तों आर रोहित ये खेलने वाले हैं, इनको अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग कराएंगे, तो अगर सीएसजी की टीम पहले बॉलिंग करती है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलंबरसन की जगह पे रोहित को लेके चल सकते हैं, क्योंकि इनका सेलेक्शन देखेंगे ओनली 2% है, पर अच्छा खासा रिकॉर्ड ये भी रखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट उस केस में रहेंगे, क्योंकि फिर डेथ में आएंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सिलंबरसन को ही लिया है। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे दोस्तों सीवीसी ऑप्शन की बात करें तो आप फिलहाल के लिए मैंने अपना यहाँ पे कैप्टन अपराजीत को किया है, वीसी जगदीशन को किया है, पर जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करें तो
तो यहाँ पे दोस्तों ए तनवर और उसके अलावा कौशिक गांधी और यहाँ पे एस यादव, तो ये तीनों भी अच्छे ऑप्शन सीबीसी के रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये पांच ऑप्शन है, आप लोग जिसको चाहें यहाँ पे सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अपराजीत को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन जगदीशन को किया है। अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।